हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग खुशीज लाइफ। तो गाइस, अभी हम लोग जाने के लिए निकल रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को ज़्यादा इसी ब्लॉग के एंड में पता लग जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग देख लेना। हम लोग जा रहे हैं कहीं बहुत दूर, ठीक है। और आप लोगों ने तो पहला वाला ब्लॉग देखा था ना, उसकी पैकिंग दी की थी हमने। वो ये रहा हमारा सूटकेस, ये हमारा सूटकेस, ये हमारा भैया, ये भी तैयार ही हो रहा है, लेट है, बट अभी हम लोग बस थोड़ी बहुत देर में निकल रहे हैं। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, और ये देखो मम्मी लगी हुई है एंड मोमेंट में, तो 6:30 हो रहे हैं और हमें बस निकलना ही है। मतलब हम इतना लेट, मतलब लेट भी नहीं, बट हाँ अगर हम अभी निकल जाएंगे तो हम टाइम से, हाँ ये बात सही है, हम टाइम पे पहुँचते ही नहीं है। अगर हम अभी निकल जाएंगे तो बस हम पहुँच जाएंगे टाइम से, ठीक है। और मम्मी अब लगी हुई है सब्जी शॉप में, देखो इतनी हरी मिर्च वैसे भी नहीं खाएंगे हम इतनी, बस बस नहीं है। तो गाइस मम्मी एंड मोमेंट में लगी हुई अपना सब्जी वब्जी करने में, क्योंकि बस वगैरह और ट्रेन वगैरह में घर का खाना इज मैंडेटरी, ठीक है। अगर ये खाना नहीं होगा तो फिर वाइब भी नहीं आती ना कि हम फैमिली में से उठ के आए हैं। तो बस अभी हम जाने वाले हैं, ठीक है। और ये नेल्स देख रहे हो मेरे, मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे करे हैं, क्योंकि देखो मेरे नेचुरल नेल्स अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, तो मैं नेल एक्सटेंशन नहीं करवाती, मेरे को सूट भी नहीं होते, मेरे को इन्फेक्शन हो जाता है नेल्स में, नेल्स। तो अभी लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि मैं अपने नेल ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने आपको एक वाली वीडियो में बताया हुआ था कि आरू की वजह से मुझे अपने नेल सारे के सारे कट करने पड़े और मैं अब ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अभी लास्ट मोमेंट मैंने अपने नेल एक्सटेंशन करे, वो भी घर पे, क्योंकि हाँ इस पे गाइस आरू की साइकिल पे। तो मैंने लास्ट मोमेंट पे नेल एक्सटेंशन करे अपने खुद से, प्रेस ऑन नेल्स लगाए हैं, नेल एक्सटेंशन क्या अभी बैठे बैठे बस मैंने सोचा यार लगा ही लेती हूँ, घर में पड़े थे क्योंकि मेरे को नेल्स का शौक है तो मैं रखती हूँ नेल्स, ठीक है। तो नेल एक्सटेंशन कर लिए लास्ट मोमेंट पे, हेयर वॉश डन है, और मैंने पहनी अपनी ये फेवरेट कुर्ती, जो कि मेरी आज कल की इतनी फेवरेट हो गई कि मैं हर जगह इसी को पहन के चले जाऊँ, मेरा इतना मन करता है इसको पहनने का। अच्छी लग रही है ना, मतलब डिसेंट सा लुक देती है, ना तो ज़्यादा इंडियन ना ज़्यादा वेस्टर्न, है ना, ऐसी नहीं लग रही ना कि जैसे एकदम शादी में जा रही हूँ, नॉर्मल सा, मतलब अभी जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा कम्फर्टेबल सा पहन लूँ, तो इससे मैंने वाली कुर्ती पहनी है। तो वैसे इसके साथ ये झुमकी नहीं जा रही ना, सही लग रही है मुझे थोड़ा ज़्यादा। तो गाइस ये हो रहा हमारा खाना पैक, लास्ट मोमेंट पे मम्मी ने कर ही दिया टिफिन पूरा का पूरा, ये रही पूरी, ये रही सब्जी और सैलड वैलड सब कुछ कर रखा, ये रहा सैलड और ये डोंगे होंगे। अब हम जा रहे हैं निकलने के, क्योंकि लेट हो रहे बहुत। चटनी, चटनी कौन खाएगा भाई वहाँ, सैफ ये और रख लेते डोंगे तो अभी लास्ट पे भाई माँ वाली बात याद आ गई। तो गाइस बस हम निकलने के लिए रेडी हैं, बस निकल ही रहे हैं, ये मैंने पहना है सूट, चलो और ये सैंडल पहनने से चप्पल आई मीन, क्योंकि यार बस में मैंने शूज़ रखे हैं वहाँ के लिए, यहाँ पे बस एक तो हमारा ही। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं, अब यार वो भी बहुत बुरी तरीके से लास्ट में जाते हैं, ऐसे करता है भाई, आज तो पहली बार पिक्चर करा मैं, तो गाइस छोड़ के चलो और अपना लोग नहीं, ये बैग डरबल होता है अपना, वो लाल वाला ले लो, वही चलता है जो लड़की देखिए दिल बिगाड़। तो गाइस देखो भाई और पति होने के फायदे, भाई और पति होने के फायदे गाइस देखो, इतने सारे सूटकेस लेके चल रहे हैं, और मैं देखो मैं पैसेंजर प्रिंसेस बन के चल रही हूँ, कोई सूटकेस नहीं मेरे पास ना कोई बैग। गाइस लकी और उस वाली गाड़ी मारे हैं इसमें, क्योंकि हमारी एक ऐसी आ गए, हम थोड़ा पहले आ गए थे, थोड़ा लेट से आए हैं, ट्रैफिक इतना है तो यहाँ बाहर मिलती फोन करो। गाइस तो हम लोग ना बैठ चुके हैं बस में, ठीक है, बड़े टाइम के बाद ट्रिप कर रहे हैं गाइस, थोड़ा सा दुख है तो वो है हमारे हमें आरू का, ठीक है। आरू को हम क्यों नहीं लेकर आए वो मैं आप लोगों को ना बाद में बताऊंगी, डिजन है उसका बहुत बड़ा आरू को ना लाने का, पर बेचारा बहुत तेज रो रहा था, और हालांकि
मन कभी रहे नहीं उसके बगैर। हाँ, पता नहीं कैसे चार पांच दिन कैसे कटेंगे हमारे, बड़े परेशान से। हाँ, जब से क्या, जब मतलब जाने से पहले। हाँ, जब से हमने प्लान किया था कि मारू को लेकर नहीं जाएंगे, तब से ये मेरे मन में रहा था कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे 5-6 दिन, और फिर हम क्या सर्वाइव करेंगे, वो कैसे सर्वाइव करेगा हमारे बिना। मतलब है ना, दिन में पूरे दिन रह लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको रात को चाहे कितनी भी नींद आ रही है, वो आता मेरे पास ही। जब और हमारा मन कहीं ना कहीं वहीं पड़ा रहेगा, आरू रह गया। आरू को ना लाने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है, वो रीजन भी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में मैं, क्या रीजन है उसको ना लाने का। पर बेचारा जब चलते हुए एकदम सोएगा ना, मम्मी, उसको पापा नहीं दी थी इसको मम्मी दी, एकदम सोया मम्मी। पर चलो यार, कोई बात नहीं, वो भी एक दिन बड़ा होगा, वो भी जाएगा। तो गाइस, अब हो गई है पूरी बस की लाइट ऑफ, क्योंकि अब रात हो रही है ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो सो गए होंगे, बट हम लोग देखो ये मैच देख रहे हैं आज वर्ल्ड कप का, आज वर्ल्ड कप है ना। तो गाइस, और मैं हो रही हूँ बोर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं अपने फ़ोन का ना बैटरी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी है, ठीक है। चार्जर मेरे भाई ने ऊपर रखा हुआ है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या यार, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे नींद भी आ रही है पता है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आज मैं दोपहर में नहीं सोई थी ना। बट चलो देखते हैं गाइस क्या करूँ, मैं बोर से बोर हो रही हूँ, कोई मूवी वूवी डाउनलोड करके लानी चाहिए थी। और मेरे न्यू नेल्स बताओ कैसे लग रहे हैं। तो गाइस देखो, हम लोग तो लेकर आए थे घर से खाना, ठीक है। ये क्या है? इसके अंदर चटनी पैक करी है मम्मी ने, तो हम लोग वही खाना खाएंगे। और ये बस वैसे भी खराब हो जाएगा सुबह तक, तो अभी ये वाला खाना खा के फिर हम लोग। तो गाइस, जो हमारे अपना घर से लेकर आए ना, वही खाने को मैं सर्व कर देती हूँ, सारा का सारा सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ गिराए जा रहे हैं। हाँ, जब सब सब चीज गिराई है, सब चीज। हाँ, सब्जी बच गई है, वो सब गिर गया। सब्जी भी गिरने वाली थी, पकड़ ली उसने। हाँ, मैंने देखा था। वो हाँ है ही। तो गाइस, खाना वाना खाने के बाद हमने इसमें लिया है कुछ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। पहले अभी आगे वालों को दूंगी, वरना ये चिल्लाएंगे। कोल्ड ड्रिंक चाहिए गाइस? बहुत ठंडी है, पर मैं तो थोड़ी देर रुक के पीऊंगी। तो गाइस, फुल कोजी वाली वाइब आ रही है, लाइट भी बंद कर दिया, बस कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी ठंडी है, इन्होंने तो ली भी नहीं क्योंकि इनको ना जुकाम हो रहा है। और अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, खाना पीना हो गया, अब तो सोते हुए निकलेगा हमारा पूरा पूरा, बाकी अब पहुँच के दिखाएंगे आपको, और बाकी जो जो चीज़ें होगी वो दिखाएंगे। सुबह
हम तो वही नहीं रही। मैं तो ये सोच कर आई थी कि ठंड होगी, शॉल भी लेकर आई हूँ, पर इतनी ठंड कुछ भी नहीं लग रही इधर तो। नॉर्मल जैसे हमारे इधर सुबह होती है ऐसी है, कुछ स्पेशल नहीं है पहाड़ों की सुबह में। तो गाइस इधर इतनी ठंड नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कपड़े लाने की जरूरत नहीं अगर तुम लोग भी घूमने आ रहे हो। अभी कितनी दूर और है अभी यहाँ से वैसे? 118 किलोमीटर। घंटे के हिसाब से बताओ? 2 घंटे। तो मे बी उधर जाकर थोड़ी बहुत ठंड हो, वैसे इधर वाली जगह में तो ऐसा ही है जैसे नॉर्मल, जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ पे होता है ना सुबह सुबह, बस ऐसा ही है। खामा खामा शॉल तो भी हम ऊपर आएगा। हाँ वही ना, अभी हम नीचे ही होंगे इस पहाड़। अभी जो पीछे देखो पहाड़ दिख रहे हैं अगर हल्के हल्के बिल्कुल बिल्कुल जो बादलों से में दिख रहे हैं ना, अभी हम इन पे जब चढ़ेंगे तो शायद सर्दी थोड़ी बहुत बढ़े, अदरवाइज वेदर कम्प्लीटली ओके है। शिमला से? हाँ शिमला तो हमने काफ़ी देर पहले छोड़ दिया होगा पीछे, मंडी के पास है। मंडी के पास से तो हम ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे सारे रास्ते पता हो इधर के, दिल्ली तक के रास्ते तो आज तक याद नहीं है, यहाँ के तो सब को। और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर की तरफ, देखो सुन नहीं दे रहे देखो गाइस आवाज़। अगर तुम लोग सुन पा रहे हो ना, वैसे तो ट्रैफिक सुनने नहीं दे रहा, तो कोयल लोग की और चिड़िया की आवाज़ बड़ी प्योरी आ रही है। कुछ क्योंकि यहाँ पर ठीक ठाक दिखी नहीं हमें कहीं, तो अपना चिप्स का पैकेट तो हमने रात में ही दिया था क्योंकि हमने रात में डिनर कर लिया था ना, उसके बाद चिप्स खाया नहीं था, ये रखा हुआ था, तो अब खा रहे हैं। और रात सर में भी इतनी तेज दर्द हो गया क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और रात ऐसी निकल गई। और अभी तो ये व्यू स्टार्ट हुआ है, अभी धीरे धीरे और मस्त व्यू आने वाला है। गाइस यहाँ से स्टार्ट होते हैं मस्त व्यू आने, पर रिवर का पानी कितना गंदा है ना, मिट्टी में होगा, बट वो बहुत अच्छा है। और इधर बारिश हो रही है पता चल रहा है क्योंकि रोड पर पानी है। सड़कें देखना कितनी वैसी हैं गाइस, पता है मेरे भाई लोग बोल रहे थे कि गाड़ी अपनी खुद की लेकर आनी चाहिए, बस में नहीं चलना चाहिए, बट यार पता है यहाँ के रास्ते मुझे बहुत वैसे लगते हैं, मतलब मैंने वीडियो वगैरह देखी ना ब्लॉग वगैरह, सब लोगों ने बोला कि अपनी गाड़ी से नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ के रास्ते थोड़े ऐसे ही हैं। फिर दूसरे वाले ने बोल दिया था कि यहाँ रास्ते बेकार है, मतलब जो यहाँ पे चलाता है ना गाड़ी बस वही अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं इधर के रास्ते पर। और देखो ये बस जंगली जानवर रहते होंगे, देखो देखो गाइस पूरा रोड ट्रैफिक बंद हुआ है, उसके ड्राइवर का क्या हाल होगा भाई साहब, ये जितना सुंदर रास्ता है उतना रिस्की भी है। इसके अंदर टायर है, टायर का भी कितना नुकसान है।
पायल है ये सारे, कितने लाइफ का नुकसान होगा। ये कट ही ऐसा है ना, तभी तुम्हारे पास वालों ने कितने धीरे धीरे निकाली ना। बहुत रिस्की रास्ते हैं बट सुंदर भी इतने है। देखो कितने प्रेटी प्रेटी नजारे हैं। पता आंखों से देखने से ज्यादा सुंदर आ रहे हैं, कैमरे में इतनी सुंदर नहीं आ रहे, आंखों से देखने से तो अलग ही हो रहा है। गाइस यहाँ तो दिल्ली से भी ज्यादा गर्मी है। नाम बताओ ऑटो वाले साल की। गाइस अगेन मैं पैसेंजर प्रिंसेस बनते, मेरे भाई और मेरे पति ने सामान संभाला हुआ है। तो गाइस बस ने तो हमें इधर उतार दिया, अब इससे आगे हम जा रहे हैं होटल में, और होटल में जाकर अपना जो भी अपना है सब कुछ वहाँ जाके देखेंगे, ठीक है। तो गाइस होटल तक के लिए वैसे तो हमने वहाँ से स्टॉप लिया था बस से, अब आगे के लिए लिया कैब, अब जाएंगे हम लोग कैब से होटल। होटल लकी बावे चश्मे वाले भाई, राइट लकी ने चश्मे में पैसे कर, नहीं बस यही है और ये देना है। आरुष मत आरु पढ़ लो गाइस, आरु उठेगा तो उसको कॉल भी करेंगे। थैंक यू ब्रो। ओके तो गाइस ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इसके बाद वाली जो आगे का है मतलब हम लोग जहाँ पे पहुँचना था हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इससे आगे को आपको मिलेगी व्लॉग, ट्रैवलिंग व्लॉग, ठीक है, बट वो मिलेंगे सेकंड पार्ट में मतलब नेक्स्ट डे। और आज की जो संडे वाली क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होती है मेरे चैनल पर, संडे को क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होती है, फिर ब्लर आ रहा है तो इस वजह से आज हम जैसे ट्रैवलिंग में थे तो कल मैं शूट नहीं कर पाई थी, परसों मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली थी तो इस वाली वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी संडे की, तो हम बाहर हैं तो इस वजह से अभी आप बस ट्रैवल व्लॉग देख लो, नेक्स्ट संडे को आएगी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो, तो अब की बार क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो नहीं आ रही संडे को क्योंकि हम बाहर आ गए थे गाइस, और ये प्लान भी एकदम से बना तो फिर टाइम नहीं मिला शूट करने का संडे वाली वीडियो। तो गाइस आई होप आप लोगों ने ये वीडियो को एंजॉय किया, और एंजॉय किया तो लाइक शुरू में सब्सक्राइब कर दो, बाकी नेक्स्ट व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, नेक्स्ट व्लॉग कल आ जाएगा यहीं का आएगा। और अभी हम लोग बस होटल में पहुँच चुके हैं, चेक इन करने वाले थोड़ी बहुत देर में, आगे की चीज़ें नेक्स्ट।